चीन की बढ़ती समुद्री ताकत चर्चा का विषय है। चीन के पास अमेरिका से ज्यादा समुद्री जहाज हैं। अमेरिका का मानना है कि ऐसा चीन की एक वैश्विक सैन्य शक्ति बनने की अपनी घोषित महत्वाकांक्षा के कारण हो रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि चीन सैन्य अड्डों या सामान्य बंदरगाहों का एक नेटवर्क तैयार करेगा, जिसे वो अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। रीम ऐसे शुरुआती अड्डों में से एक होगा। कुछ साल पहले तक कंबोडिया के दक्षिणी छोर पर बसे रीम को अमेरिका की सहायता से अपग्रेड किया जा रहा था। ये मदद कंबोडिया को दी जाने वाली $1 करोड़ की सैन्य मदद का हिस्सा थी। लेकिन साल 2017 में जब कंबोडिया में प्रमुख विपक्षी पार्टी को प्रतिबंधित कर इसके नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तो अमेरिका ने ये मदद रोक दी। चीन पर निवेश और आर्थिक मदद के लिए पहले से ही निर्भर कंबोडिया ने तुरंत पाला बदल लिया। कंबोडिया ने अमेरिका के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को भी रद्द कर दिया। इसके बाद अब वो चीन के साथ कथित गोल्डन ड्रैगन प्रैक्टिस सैन्य अभ्यास कर रहा है। साल 2020 में रीम में अमेरिका की बनाई गई दो इमारतों को तोड़ दिया गया। इसके बाद चीन के पैसे से बनी दो इमारतों का विस्तार होने लगा। जल्दी ही रीम में युद्धपोत तैनात कर दिए गए। कंबोडिया ने हालांकि दावा किया है कि युद्धपोत ट्रेनिंग के लिए खड़े किए गए हैं। वो बस इस बात पर जोर दे रहा है कि रीम में चीन की उपस्थिति स्थायी नहीं है, इसे बेस नहीं माना जाना चाहिए। इसके बावजूद अमेरिकी अधिकारियों ने इस साइट के विस्तार को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। साल 2019 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में कंबोडिया और चीन के बीच हुए एक समझौते के लीक होने की खबर छपी थी, जिसमें चीन को इस बेस की 77 हेक्टेयर जमीन 30 साल की लीज के लिए दिए जाने की बात कही गई थी। इसमें कथित तौर पर सैन्य कर्मियों की तैनाती और हथियार रखे जाने की भी बात थी। हालांकि कंबोडिया सरकार ने इसे फेक न्यूज बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन यहाँ इसका जिक्र करना जरूरी है कि नए घाट में सिर्फ चीनी युद्धपोत को ही रखने की अनुमति दी गई थी। कैलिफोर्निया स्थित रैंड कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ पॉलिसी रिसर्चर क्रिस्टीन गुनेस का कहना है कि तकनीकी तौर पर रीम एक स्थायी अड्डा नहीं है। भले ही इसका विस्तार चीनी फंड से किया गया हो, लेकिन इसे चीन को लीज पर नहीं दिया गया है। ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि रीम में लंबे समय तक चीन की उपस्थिति उसके लिए वास्तव में ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगी। लेकिन थाईलैंड की खाड़ी के मुहाने पर रीम में चीन के बेस ने कंबोडिया के पड़ोसियों थाईलैंड और वियतनाम को चिंतित कर दिया है। उत्तर की ओर मौजूद और दूसरे अड्डों और इसे मिलाकर चीन की ओर से वियतनाम को घेरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। फिलीपींस की तरह ही वियतनाम का भी पूरे दक्षिण चीन सागर में मौजूद द्वीपों को लेकर चीन से विवाद है। थाईलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने भी निजी तौर पर सत्ताहित थाई नौसेना के मुख्य बंदरगाह के दक्षिण पर चीनी ठिकाना बनने पर चिंता जाहिर की है। थाईलैंड के चीन के साथ जिस तरह के अहम आर्थिक संबंध हैं, उसमें वो कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहता। वहीं वियतनाम चाहेगा कि कंबोडिया में उसके खिलाफ जन भावनाएं न भड़कें। वियतनाम ये भी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ चीन विरोधी भावनाएं भड़कें। वहीं अमेरिका और भारतीय रणनीतिकार भविष्य में हिंद महासागर में चीन की ओर से नौसैनिक अड्डे बनाने की आशंकाओं को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। चीन के ऐसे नौसैनिक अड्डे में श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह भी शामिल है, जिसे चीन की सरकारी कंपनी ने साल 2017 में 99 साल की लीज पर लिया था। इसी तरह पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, जिसे चीन के फंड से दोबारा विकसित किया गया। लेकिन अभी ये दूर की कौड़ी ही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का अमेरिकी सेना के वैश्विक दायरे तक पहुंचना अगले कई साल तक मुश्किल ही रहेगा। हालांकि रीम खुफिया जानकारी जुटाने, सैटेलाइट्स को ट्रैक करने और लंबी दूरी के लक्ष्यों की निगरानी और उनकी पड़ताल करने के मामले में बड़ी भूमिका निभा सकता है।